एक्चुअली मैंने बहुत सर्च किया था यार, BDS वर्सेस BMS, BMS वर्सेस वेटरनरी, बट मुझे उस वक्त कुछ मिला ही नहीं। एंड यार अगर मिल जाता एंड ना मैंने तो देखा ही नहीं। आपने देखा नहीं, अगर मुझे मिल जाता ना तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती। तो आज का वीडियो नॉन बायस रहेगा मैम, एक्चुअली हम कोई भी बायस बात नहीं करेंगे। लाइक हमने BMS चूज किया मतलब हम BMS की बातें करेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूंगा कि जब 2020 के अंदर मेरे पास ऑप्शन थे वेटरनरी BMS BDS, मैम के पास BDS एंड BMS ऑप्शन था। मैम को इवन आपको पता है गवर्नमेंट का टॉप कॉलेज मिल रहा था BDS का, बट मैम ने BMS को चूज किया, वो भी मैम ने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया उनके घर के नज़दीक। तो बहुत बातें आपसे करनी है मेरे दोस्तों, तो 10-15 मिनट का वीडियो आराम से हो जाएगा। अगर पूरी लाइफ बचानी है ना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अभी स्किप करोगे तो बाद में परेशानी जरूर होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि मैम ने 2 घंटे की क्लास खत्म करके वीडियो बना ली है। चेहरा देख रहे हो मैम अगर का, पसंद आए तो ही लाइक कर देना। एक्चुअली पसंद जरूर आएगा क्योंकि इसके अंदर ऑनेस्ट चीज होगी। yes. सबसे पहले स्टार्टिंग में ही करना चाहूंगा मैम, क्योंकि उसके बाद आप बात ही करोगे। जब मैं काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जाने वाला था, हम क्या करते हैं लोगों की सुनते हैं ना, मतलब कि मैं क्या करूँ, लोगों की ओपिनियन लेना हमें बहुत पसंद आता है। तो लोग मुझे कह रहे थे कि यार तू BDS चूज कर ले या तो वेटरनरी चूज कर ले। तो BDS के अंदर, एक्चुअली BDS की बातें करेंगे, तो BDS के अंदर कैसे होता है कि अगर तेरे पास एक पेशेंट आएगा ना तो तुझे 5,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है मैम, कैलकुलेशन देखना लोगों का। तो अगर तेरे पास दिन के 3 पेशेंट आते हैं तो दिन के तेरे पास 15,000। ठीक है, अगर ऐसे काउंट करेगा तो महीने के ऑलमोस्ट 3-4 लाख कमा लेगा अगर सब खर्चे निकालेंगे। एंड उनका क्या कहना था कि अगर तू BMS चूज करेगा तो BMS चूज करने के बाद तेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना एक पड़ेगा। पेशेंट आएगा, हाँ, एक पेशेंट के ऊपर आप 50 रुपए 100 रुपए, यस, मल्टीपल चीजें थी जो कि लोग कहते थे। तो अगर मैं लोगों की मानता तो मैं BDS 100% श्योरली ऑप्ट कर देता, बट मैंने नहीं किया, उसके मल्टीपल रीजन है। बट स्टार्टिंग में आपसे करना चाहूंगा मैम कि आपके पास कौन सा रीजन था That कि आपने BDS चूज कर लिया, नहीं BMS चूज कर लिया, BDS को छोड़ दिया, इतना बढ़िया कॉलेज छोड़ दिया आपने। In this decision, my parents play a very important role. हाँ। तो उनका point of view मैं आपको पहले शेयर करना चाहती हूँ। They are from a non-medical field. Like my father is farmer and my mother is a teacher in a very good school. मतलब डॉक्टर नहीं है। हाँ, डॉक्टर नहीं है। तो उनका क्या कहना था कि अगर तो BDS बन भी जाएंगे तो इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल सेट करने में बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ यार, उनके इक्विपमेंट्स मतलब बहुत महंगे होते हैं यार। हाँ, मैं भी आपको पता है, मेरे ये भी एक मेरा रीज़न था। मैंने क्या सोचा कि देखो अगर मुझे हॉस्पिटल कर जाके डालना है तो 10 लाख के मैं इक्विपमेंट्स खरीदूंगा फिर बाद में डालूंगा, ऐसा नहीं है। 10 लाख का सिर्फ एक इक्विपमेंट आता लगता है, मुझे तो लगता है। चलो, इस फाइनेंशियल हम ज्यादा आइडिया नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको बहुत ज्यादा लगेगा। yes. ठीक है, उस टाइम पे एंड BMS के अंदर ऐसा कुछ नहीं लगता। कंप्लीट करने के बाद में फिर से फाइनेंशियल आपको हेल्प लगेगी वहां पे। मतलब आप कमा भी लोगे बट टाइम लगता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यही प्लस पॉइंट BDS का कब होता है, जब आपके पेरेंट्स डेंटिस्ट है, आपका भाई बहन कोई भी डेंटिस्ट है, तो बहुत अच्छा पॉइंट। एंड अनदर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको करना ही है, BDS ही करना है, तो आप जरूर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इक्विपमेंट नहीं ले सकते। अगर आपकी चाह है, आपकी वहाँ पे लाइक है, यू आर लाइकिंग दैट फील्ड, तो आप जरूर कर सकते हैं। पॉइंट कवर करना चाहूंगा, अगर आप लड़के हो ना तो आपको खुद से सेटअप करना पड़ता है। अगर लड़की हो तो BDS डॉक्टर से शादी कर लो, चले जाओ जस्ट फॉर अ फन, ना नहीं तो आप कहोगे कि ये लड़के और लड़की के बीच में। ये मेरा पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू था एक्चुअली, बट इन केस अगर इंजीनियर ये फिर वो फिर then again you have to go there and set your own hospital। मतलब एक्चुअली कैसे हो जाएगा कि मैम अगर आप BDS होते एंड आपकी शादी किसी इंजीनियर से होती तो वो तो आपको सेटअप नहीं डाल के देता, तो आपको घर में बैठना पड़ना, ऐसा ठीक है, ऐसा हो सकता था। एक्चुअली ये हो सकता था। ओके, फर्स्ट थिंग इक्विपमेंट वगैरह या तो आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड, और फिर अगर आप सेट भी करते हो तो पेशेंट फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो झट से नहीं है कि नया डॉक्टर है। हां, अभी आप एक चीज देखोगे मैम कि अगर हमारे सिटी में आप जिस भी सिटी से हो वहाँ पर मतलब सबसे टॉप के डेंटिस्ट देखना, सबके पुराने वाले होते हैं। आपको पता है मैं जिससे अपनी मैंने अपना जो दांत का ट्रीटमेंट किया था ना, उनकी एज ऑलमोस्ट 57 के लगभग होगी। मतलब आप सोच लो 57 इज कम एज नहीं होती बेटा, 57 बहुत ज्यादा एज होती है। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर मतलब डेंटिस्ट पहले से ही 4-5 है जिनके पास ऑलरेडी पेशेंट जाते हैं, तो आपके पास क्या आएगा। एंड लोगों का एक कैलकुलेशन पता है, अगर तेरे पास दिन के 3 पेशेंट आएंगे तो हर एक से 5,000 रुपए हो जाएगा, मतलब तेरा दिन का 15,000, मतलब महीने का तो 3-4 लाख। yes. क्योंकि वो एक दिन जाते हैं डेंटिस्ट के पास। हाँ, क्योंकि अरे उनको क्या पता है भाई कि 3 पेशेंट लेके नहीं होता है,
और उन तीन पेशेंट के लिए 3 साल वेट करना पड़ता है भाई, इतना आसान नहीं होता है। पेशेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नए पेशेंट के पास आता नहीं है। अगर आपका पुराना मतलब डेंटिस्ट है आपके फैमिली बैकग्राउंड में तो बहुत अच्छा है BDS आपके लिए, लेकिन BMS क्यों अच्छा है वो भी एक बात सुन लेते हैं। तो BDS में क्या होता है, ओरल रिगार्डिंग ओरल डेंटिशन पढ़ाई लिमिटेशन आ जाती है राइट। BMS में कैसा होता है, आप जाके आगे स्पेशलिटी कर सकते हो, लाइक गायनेक में आपको स्कोप है, पेडियाक कर सकते हो, काया चिकित्सा, इवन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पंचकर्मा, नाउअडेज पंचकर्मा इज गेनिंग मोर एंड मोर अटेंशन। भाई आपको पता है 10,000 मिलते हैं एक पेशेंट के पीछे, और दिन के 2 पेशेंट तो हो ही जाएंगे अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो, मतलब वो तो उससे भी आगे चला जाएगा। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ डाउट मैम, आप क्या किसके अंदर स्पेशलिटी करना चाहते हो आगे जाके? आई हैव नॉट डिसाइडेड येट बट गायनेक आई और पेडियाक। अगर मुझे तो मतलब कुछ करना होगा ना तो इवन टॉक्सिकोलॉजी इज वेरी 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 ओके। आपको पता है मैम को टॉक्सिकोलॉजी क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि मैम को वो टीचर अच्छे लगते हैं मतलब वो अच्छे पढ़ाते हैं, सो यस वो टीचर पसंद आ रहे हैं, दैट्स व्हाई। दो ये अगले साल पूछोगे ना मैम से तो मैम का टॉक्सिकोलॉजी नहीं होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। नहीं मैं जानता हूं मैम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मैम को वो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, दैट्स व्हाई शी इज हैविंग इंटरेस्ट इन द टॉक्सिकोलॉजी। अगर मुझे ऑप्शन मिलता ना देन मैं MS चूज करूँ मास्टर ऑफ सर्जरी। आपको पता है एक बहुत प्यारी चीज इन आयुर्वेदा, ओके एक बहुत प्यारी चीज है ठीक है, मैं बायस वीडियो नहीं बना रहा, जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ। आयुर्वेदा के अंदर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉडर्न प्रैक्टिस कर सकते हो, आप गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो, पेडियाट्रिशियन आप बन सकते हो आराम से, आप काई चिकित्सा जनरल मेडिसिन कर सकते हो, आप ENT डिपार्टमेंट कर सकते हो, आप MS कर सकते हो। देर आर द लिमिटेशन टू द सर्जरीज बट स्टिल यू कैन बी अ सर्जन, यस आप उसके अंदर उस चीज़ कर सकते हो। नाउडेज गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है आयुष डॉक्टर्स को, दैट इज आयुर्वेदा यूनानी योगा सिद्धांत। अभी टाइम की जरूरत है, लाइक आप चीज देख लो हमारी बॉडी कितनी टॉक्सिक होती जा रही है, लाइक हर बार वो पैरासिटामोल ले लो, डोलो ले लो, खा लो, सो लो, बेटा नहीं होता ठीक है, हमारी बॉडी अभी उसे नहीं कर पा रही है। देन इस चीज की नीड तो आगे जाके होने वाली, लाइक ऑर्गेनिक वगैरह सब कुछ, लाइक आप चूज कर लो हेल्दी लाइफस्टाइल कर लो, क्योंकि इतना धुआं वगैरह नाउडेज पीपल आर ऑटोमेटिकली टर्निंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, क्योंकि अभी उनको भी पता चल रहा है कि साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। यस 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 एंड एक्चुअली BDS के रिगार्डिंग हमने 3 चीजें ऑलरेडी देख लिया कि पेशेंट फ्लो इक्विपमेंट्स ये वाला पार्ट, एंड सेकंड थिंग ये है कि लिमिटेशंस आ जाते हैं रिगार्डिंग द ओरल डेंटिस्ट्री पार्ट ठीक है। तो आगे आप अगर आप जाके MBS भी करते हो तो अच्छा स्कोप है, लेकिन वहां पे भी फिर स्टिल लिमिटेशंस हैं। आप हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते वहाँ पे, या फिर आप डिलीवरी नहीं कर सकते, या फिर एक बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकते सिर्फ डेंटिशन के रिगार्डिंग। एक्चुअली मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको BDS बहुत अच्छे कॉलेज में मिल रहा है ना, टॉप कॉलेज में, भाई कर ही लो भाई, क्योंकि वहां पर आपको स्कोप मिलेगा, पेशेंट्स मिलेगा। एक प्यारी चीज बताता हूँ मैम, 2-4 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना के रखा है। इफ यू आर हैविंग और इफ यू आर गोइंग टू परस्यू योर BDS फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, भाई मत लो, क्योंकि लेक्चर्स रेगुलरली नहीं होते मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के बीच में। मैम एक तो लेक्चर्स नहीं होते, सेकंड चीज पेशेंट्स नहीं होते, एंड अगर पेशेंट्स नहीं तो काय का डॉक्टर वे भाई, तू मतलब क्या प्रैक्टिस करेगा? इट इज लाइक 50 पेशेंट में, सॉरी 50 स्टूडेंट्स में एक पेशेंट रहता है, ऐसा कुछ तो रहेगा ना। हां मतलब 50 मतलब पेशेंट्स होते हैं बेसिकली, बट नंबर ऑफ पेशेंट्स डू मैटर ना यार, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो कितना होता है। दिस वाज आवर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग BDS एंड BMS। तो BDS के हमने बहुत कम पॉइंट्स बताया एक्चुअली, लेकिन BDS एक पॉजिटिव पॉइंट से देखा जाए तो इट इज अ वेरी गुड फील्ड आल्सो, जहाँ पे आपको डायरेक्टली स्पेशलिटी मिल रही है रिगार्डिंग द डेंटिस्ट। एक्चुअली मतलब अगर आपके दांत में दर्द होता है तो आप MBBS के पास नहीं जाओगे, BMS के पास नहीं जाओगे, पेनकिलर वगैरह तो दे देगा MBBS। हाँ वो चीज है, बट ट्रीट करने के लिए मतलब डेंटिस्ट के पास। एक और चीज है कि दांत दुखने के बाद में आप एक पेनकिलर देते हो, 3 महीने के बाद फिर से जब पेन आते हैं तो फिर पेन किलर देते हैं, फिर 3 महीने के बाद जब फिर से होता है तब आप जाते हो डेंटिस्ट के पास। मेरे पापा को कैसे बताएं, पिछले 10 साल से दांत दुख रहा है, अभी तक नहीं गए। हाँ तो लॉन्ग ले ऐसा आयुर्वेदा उपचार कर, ऐसा भी नहीं है क्या, ऐसा भी नहीं कि बहुत गरीब है यार, ठीक है अच्छे खासे कमा लेते हैं। तो ये पॉइंट मेरे घर वालों ने मुझे बताया था, देख ऐसा होता है पेशेंट ऐसा करते हैं तू करेगी क्या, तो डर लगा यार मुझे उस टाइम पे। और वो जो मुझे कॉलेज मिला था वो था संभाजीनगर का, तो काफी इधर से तो दूर है, और ये आयुर्वेदा था तो वो मुझे यहाँ पे मिला, एक पुणे का मिल रहा था और एक यहाँ का मिल रहा था, तो मैं पेरेंट्स वाले ले ली यार घर के नजदीकी है, आपको पता है अप डाउन कर सकती, लेकिन मुझे पुणे ही चाहिए। आपको एक चीज पता है, मैं ना पुणे के कॉलेज के लिए मर रहा था भाई, पुणे सिटी ही है ऐसे भाई,
मतलब क्या बताओ यार, ठीक है दिल में बसी सिटी है। इट वाज माय पेरेंट्स, लाइक आई वुड टेल यू हियर आल्सो कि जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, सोच समझ कर आपको बोलते हैं, सो प्लीज ब्लाइंडली ट्रस्ट देम। आपके सजेशंस दो उनको, आपके उनके सजेशंस लो, आपके सजेशंस उनको दो, उनको क्या लगता है, फील देयर इवन क्या बोलते हैं, फील इवन देयर फीलिंग्स ऑल्सो, क्योंकि वो कभी भी आपको गलत राह नहीं दिखाएंगे। बिकॉज मैंने खुद वो एक्सपीरियंस किया है। Actually, yes. मैंने बोला था BMS नहीं चाहिए, उन्होंने बोला BMS अच्छा है, अब आई एम सैटिस्फाइड विद दैट। ओके, एक्चुअली एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स के बीच में डिवाइड करूंगा। जस्ट सपोज मयूरी मैम है, मैं हूँ, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे कि अगर मयूरी मैम ने BMS कर लिया होता है, अगर मैंने BDS चूज किया होता, देन फर्क क्या होता, प्लीज सुन लेना, ठीक है। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर मैं BDS हूँ, ठीक है, अगर मैं BDS हूँ, लाइफ टाइम में मुझे एक लिमिटेशन के साथ रहना पड़ता है। लिमिटेशन मतलब यहाँ पर कोई गलत अर्थ मत निकालना, लिमिटेशंस मींस यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस, इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द, उसके बाद में स्पेशलिटीज होती है, लाइक ऑपरेशंस वगैरह, मल्टीपल थिंग्स होते हैं, यस। तो स्ट्रगल होता, इवन BMS के अंदर स्ट्रगल है, बट देयर स्ट्रगल इज अलग स्ट्रगल, मेरा अलग है भाई, ठीक है, बहुत अलग है। मेन थिंग इसका बैकग्राउंड जो है वो डेंटिस्ट है, तो इसे पहले सेटअप करना पड़ता, तो मेरी पूरी लाइफ अलग हो जाती, ठीक है। अभी हम मैम के पार्ट को देखेंगे, इस वाले पार्ट को। इफ मैम इज मैं तो MS कर लेती कहीं पे, तो MD कर लेती किसी, नहीं मैम, लेट मी टेल यू कि क्या-क्या होता, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट थिंग, मैम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकती है, फर्स्ट। सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैम महाराष्ट्र में एलोपैथी के लिए भी इमरजेंसी, एज इमरजेंसी मेडिसिन आप कर सकते हो, यस। देन मैम आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत जगह पर गवर्नमेंट जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत है BMS के लिए, आई डोंट नो अबाउट द BDS, BDS के लिए है पर बहुत रेयर है, 1-2-3 इस काउंट में है, यस यस, एंड BMS के लिए बहुत गवर्नमेंट जॉब है, yes. तो मैम ना आराम से, एक्सक्यूज मी, आराम से गवर्नमेंट जॉब लेके बैठ जाती है, एंड मैं स्टिल हसलिंग, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जाती है, हाँ मतलब कर लेते, ठीक है मैम, आप होशियार हो, ठीक है। उसके बाद मैम टीचिंग प्रोफेशन में जा सकती है, बहुत कुछ है, मैम कुड बिकम गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, पंचकर्मा प्रैक्टिशनर, आगे जाके मैम, यस मैम, आप अपने ENT कर सकती हैं, मैम रश्य शास्त्र कर लो, फार्मेसी ओपन कर लो, भाई पैसा ही पैसा है भाई, ठीक है। तो मल्टीपल चीज, देयर आर द मल्टीपल स्कोप फॉर द BMS। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग BDS, BDS भी बहुत प्यारी चीज है, बट इट डिपेंड्स लाइक आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हो। किसी हॉस्पिटल में भी जॉब कर लेते हो अलोंग विद मे बी, वहाँ पे सिर्फ इतना ही फर्क रहता है कि आपको थोड़ी कम पेमेंट मिलती है, थोड़ी कम MBBS, वो भी यार थोड़े दिन में मैं वो भी कवर कर लूंगा, कवर हो जाएगा जब तक हमारा BMS हो जाएगा, वो उस टाइम तक कवर हो जाएगा, हम कर लेंगे। अभी तो आयुष खुद, मैंने जैसे बताया, गवर्नमेंट जो है खुद प्रोमोट कर रहा है आयुष डॉक्टर्स को, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑन द सेम पोजिशन। तो जो भी सभी डॉक्टर्स है, इवन MBBS, आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट ऑल MBBS डॉक्टर्स, सभी BMS डॉक्टर्स को मैं रिस्पेक्ट दूंगी, BDS डॉक्टर्स को भी मैं रिस्पेक्ट, इवन BHMS वगैरह सब। आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको फील्ड कौन सी लेनी है, लेकिन जो डॉक्टर बने हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद ही डॉक्टर बने, तो कोई भी डॉक्टर बड़ा छोटा नहीं होता है, बहुत हार्ड वर्क रखता है इन ईच एंड एवरी फील्ड। एंड मैं कहना चाहूँगा कि इट्स अ 13-मिनट लॉन्ग वीडियो, एंड बस आपने एक लाइक किया है तो इतना वीडियो के अंदर बस ठीक है, लिमिटेशन होती है। इफ यू हैव एनी मेनी मोर क्वेरीज, प्लीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट्स। एक काम कीजिएगा, आप बस अपना डाउट ड्रॉप कीजिएगा, मैं एंड मैम क्या करेंगे, उसे पढ़ लेंगे, एक पेज पर उतारेंगे, एंड विदाउट एनी स्क्रिप्ट अगला वीडियो ऐसे ही बताएंगे। अभी देख रहे हो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, देखो मैम कि हम अपने आप को सजा रही है, स्टिल दिस इज अ नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो। सो अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक सून, वेरी सून वील टच टू द 1 lakh सब्सक्राइबर्स, एंड प्लीज हेल्प अस टू रीच दैट। एंड एक्चुअली हम बहुत मेहनत करते हैं यार, 600 वीडियोस है, एंड स्टिल वी डोंट हैव 1 lakh सब्सक्राइबर्स और द 2 lakh मेन यूट्यूब। ओके स्टिल वी डू मेक वीडियोस, वी डू इवन मैम आपको, आप मुझे एडिटिंग में हेल्प करते हो, लाइक रिसर्च में हेल्प करते हो। मैम क्या जस्ट क्लास खत्म हुआ था, आई हैव जस्ट एंटर्ड द स्टूडियो, एंड मैम हैव जस्ट कंप्लीटेड द क्लास, एंड आई जस्ट आस्क मैम टू लेट्स शूट अ वीडियो, लाइक मैम वॉज लाइक यार अभी करना है, मैंने बोला हाँ करना है, हमने 4-5 टेक लिए, एंड बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मैम ने मुझे एकदम ऐसा गुस्से वाला स्माइल कर दिया, बट स्टिल ठीक है, लुक कर दिया। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए रिगार्डिंग द वेटरनरी, MBBS, BMS, BDS, एनी डाउट, एनीथिंग, जस्ट डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन,
प्लीज एक लाइक डिजर्व करता है वीडियो, इसे लाइक जरूर करना। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एवरीबॉडी कि ऐसा मत सोचना कि हम इग्नोर करते, कमेंट देखने के बाद में हम सोच समझ के आपको रिप्लाई करते yes. क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों को ये बहुत भाव खा रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे हम कमेंट्स देखते हम आपको थोड़ी ऐसे बोल सकते कि हाँ चलो ये कट ऑफ होगा, ये कट ऑफ, अरे हमें भी उसके ऊपर okay. थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा ना। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत पहली चीज़, मैम आपको बताए, वी वेर सिटिंग इन द क्लास, हमारा टॉक्सिकोलॉजी का क्लास चल रहा था एंड एट दैट टाइम मुझे बोर हो रहा था, देन मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, यस यस प्लीज डू रिमेम्बर दैट थिंग, एंड मैंने स्टार्टेड रिप्लाइंग टू द रीसेंट माय वीडियोस, मैसेजेस, मतलब जो लेट आए हैं, कल आए हैं, मतलब देखो कैसे है कि मुझे 20 मैसेज है, तो सबसे लास्ट वाला 4-5 दिन पहले हुआ आऊंगा और एक रिसेंट वाला, तो रिसेंट वाले को मैंने कमेंट को रिप्लाई दे दिया yes. तो मैंने क्या कर दिया, यस प्लीज, मैं क्या लड़कियों को खास करके यस सिस्टर, यस प्लीज, ऐसे करके मैसेज डालता हूँ, तो लड़की का रिप्लाई क्या आया पता है आपको, कि हाँ भाई मैं लड़की हो तो तूने रिप्लाई दे दिया, मेरे भाई ने तुझे पिछले हफ्ते मैसेज किया था, एक्चुअली दैट वाज रियली अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर अस, बिकॉज़ आई वाज नोइंग ऑल दिस थिंग्स कि कमेंट नहीं हम रिप्लाई टाइम आने के बाद लाइक रिसेंट रिसेंट करते रहे। हाँ मतलब कैसे होता है कि आप जिसका मैसेज हाथ लगा, जिसका एकदम रिसेंट था, रिसेंट मतलब अभी भी डाला था, दे दिया रिप्लाई भाई, तो उस लड़की ने क्या कहा कि मेरे, आई थिंक दीस पीपल डू पर्पसली, यस एक्चुअली आई थिंक दे, सो यार रिप्लाई वगैरह जो होता है हम नहीं करेंगे, बट विल श्योरली मेक अ वीडियो रिगार्डिंग योर डाउट एंड हम हमारे डाउट, आपके जो डाउट है हमारे वीडियोज के अंदर कवर करते हैं, so if possible do ask in the comment section if you have any doubt regarding the cutoff fees and everything like bonding you can join our telegram channel, yes telegram bhi free hai, link in the description box, to jaldi hi naye video ke andar milte hain, and yes ek one more important cheez, ha bms ke regarding bahut videos aane wali hai isi same channel ke upar, इवन BDS एक मेरा दोस्त है जो कि बहुत ही होशियार है, उसको भी मैं कह दूंगा कि मेरे चैनल को ज्वाइन करके बता दे, इवन रिसेंटली वन ऑफ माय स्टूडेंट एक्चुअली हैव ज्वाइंड द वेटरनरी कॉलेज एट परभनी, सो वो भी इस चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस पोस्ट करेगा, अगर आप कोई भी फील्ड चूज करना चाहते हो, MBBS वाले तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, ठीक है, कोई भी फील्ड ज्वाइन करना चाहते हो एक सब्सक्राइब मार देना, आपको हर एक चीज़ का डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, मैम कुछ बात करनी है, प्लीज़ Take care. Okay. Bye-bye. Take care. Thank you, everyone. Bye-bye.